सॉरी ओके दिस इज इट इट सो सो स्टार्ट वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड यूजअली हमें इसकी खास जरूरत नहीं होती है लेकिन वर्ट इज एक्जैक्टली स्टोरी टिल नाउ हम उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं हमारा येस्टर वी डिड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इट ओनली डिस्कसिस अबाउट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम तो ब्रिटिशर्स 1750 से लेके 18 uh, 1947 तक इंडिया uh, की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर थे एंड वट एवर दे डिड इन द एडमिनिस्ट्रेशन द लॉज विच दे पास जिन्होंने जैसा जिस प्रकार का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया था वो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इम्पैक्टेड सॉर्ट ऑफ इम्पैक्टेड सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आज का हमारा पर्पस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो आज हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान बना था 1946 से लेके 1950 तक का जो प्रोसेस है वो क्या था हमने कल के दिन में 1773 से लेके 1773 से लेके 1947 तक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे एंड इन वन वे और अदर जिनका इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत की जो राज्य व्यवस्था है उस पर देखने को मिलता है आज का जो हमारा पर्पस है ज टू अंडरस्टैंड 1946 फोर्टी सिक्स टू नाइन उन्नीस से 1950 में भारत में क्या क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नाउ द द प्रोसेस इज वेरी सिंपल इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स रियलाइज कि उनको बेसिकली अब हमारा कंट्री छोड़ना पड़ेगा सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ दैम वॉज कि कैसे ब्रिटिशर्स uh, अपनी पावर को ट्रांसफर करके जाएं इंडियंस के हाथों में दिस वॉज द डिलेमा दिस वॉज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ दैम ब्रिटिशर्स को अपनी जो पावर है वो इंडियंस के हाथों में देके जानी है हाउ दैट हाउ दे आर गोइंग टू डू इज बेसिकली द डिबेट ऑफ दाइनटीन फोर्टीज उन्नीस से लेके 1950 तक का जो मॉडर्न हिस्ट्री इतिहास के जो चैप्टर्स हैं एंड जो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर है वो इसी बात को डिस्कस करते हैं कि वट वर द डिस्कशंस वट दी द्यूएंस दैट वर इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ब्रिटिशर्स को बेसिकली इंडियन क्या कहना है पावर को कैसे ट्रांसफर करना नाउ बात सिंपल सी है ये जो आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए देश का हमारा खुद का देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए दिस आइडिया वॉज द फर्स्ट टाइम वॉज पुट फॉरवर्ड बाई एम एन रॉय इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फोर उन्नीस सौ चौंतीस में नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फोर में एम एन रॉय जो कि बेसिकली एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के पाइनियर थे इंडिया में ही पुट फॉरवर्ड दिस आइडिया कि इंडिया की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए मतलब कि हम ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल हो रहे हैं सो दैट इज काइंड ऑफ एन अनफेयर थिंग रादर भारतीयों को अपना खुद स्वराज यानी देश हैव है राइट टू सेल्फ रूल और वो करने के लिए हमारे पास अपना खुद का एक

जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें इंडियन कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना पड़ता है क्योंकि फ्रॉम 1885 टिल 1950 ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थी इंडिया की उस समय के लिए सो नाइनटीन हंड्रेड में द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दैट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो ऑफिशियली डिमांडेड फ्रॉम ब्रिटिशर्स कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होगी राइट यूर गेटिंग वॉट वी आर डूइंग हम प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हमारा बनने के लिए एक्चुअली अंग्रेजों ने असेंबली बनाई थी 1946 में वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं कि डू दिस आइडिया ओरिजिनेट कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए सो डिस्कशंस फॉर आइडिया कि एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए इंडियंस की एंड 1935 में जवाहरलालू आई एनसी ने INC, National Congress के भी पे, उन्होंने कहा विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस होना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो बननी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दें अकॉर्डिंग टू सीप अबाउट इट इज अवस टू मेक इट इजियर इमेजिन यूर सेल्फ टू बी ए डिक्टेटर इमेजिनिंग गुड लेट्स एक कंट्री को रूल कर रहे हैं पांच करोड़ लोग हैं उस कंट्री के अंदर नाउ यू डिसाइड की यूर गोइंग टू लिव दैट कंट्री यूर डन विदली टू लिव यूर यूर गोइंग टू गिव दम फ्रीडम ओके वहां पर कुछ लोग हैं इंपॉर्टेंट हैं कुछ पॉलिटिकल पावर्स में होंगे अब आप ये बताइए मुझे हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसफर दावर आप उन लोगों को अप, उनका जो संविधान है आप राज्य व्यवस्था चलेगी आपको लेकिन जो डिमांड थींबली होनी चाहिए थीन इट वॉज बी फॉरवर्डेड बाई दी क्या नाम है इट वॉज बिंग फॉरवर्डेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इन थर्टी फाइव अब पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले इस क्रोनोलॉजी को देखते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझेंगे सबसे पहले उन्नीस में एम एन रॉय ने एज ए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को सामने रखा था 1935 में इसी चीज को कांग्रेस ने भी एंडोर्स कर दिया था 1940 में एक हिस्ट्री में एक टर्म सुनेंगे आप ऑगस्ट ऑफर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो चुकी थी ठीक है हैव यू यू डू नो दिस 1939 ऑफ द सितंबर में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई थी एंड वर्ल्ड वॉर टू में इंडियंस के सपोर्ट पाने के लिए 1940 अगले साल एक साल के बाद यानी कि अगस्त 1940 में ब्रिटिशर्स ने दिया इंडियंस को ऑगस्ट ऑफर विच मीन्स कि ब्रिटिशर्स ने कंसीड कर दिया कि अगर वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगी वी विल अलाउ यू टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शॉर्ट ऑफ सो ऑगस्ट ऑफर पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा एंडोर्समेंट है कि इंडिया को एक अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का मौका दिया जाएगा देन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू में क्रिप्स प्रपोजल नाव अगेन दिज इस्ड हेयर क्रिप्स ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर है ठीक है ही कम्स टू इंडिया टू गेन सपोर्ट ऑफ इंडियंस फॉर दॉर एंड उसका कुछ प्रपोजल है किन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनेगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा वर्ल्ड वॉर टू के बाद निकेम बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंडियंस एंड क्रिप्स। ये कह रहा था जो क्रिप्स था इसका प्रपोजल था कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगी वी विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियंस वेरस गांधी जी और द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम से कि नो no, ये बात पहले हमें कंफर्म कीजिए अभी हमें बेसिकली डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए वी विल नॉट वेट फॉर वर्ल्ड वॉर टू टू एंड तो जो ये क्रिप्स प्रपोजल थे ये ब्रेक डाउन हो गए मुस्लिम लीग भी बेसिकली इनको नहीं मानी और ना ही बेसिकली कांग्रेस ने माने सो so, क्रिप्स मिशन एज इट इज कॉल्ड इन द हिस्ट्री फेल्ड वर्ल्ड वॉर टू नाइनटीन में खत्म हो जाती है वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद अगले साल कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में कैबिनेट मिशन का मतलब है कि तीन लोग थे जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे वो तीनों के तीनों भारत आते हैं उन तीनों के तीनों नाम क्या है पैथनिक लॉरेंस स्टेफोर्ड क्रिप्स ये वही वो 1942 में जो था वही इंडिविजुअल है अब ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन चुका है एंड ए वी एलेगजेंडर सो दीज थ्री पीपल कम टू इंडिया विद अ प्रपोजल कि दिस इज द वे वी आर गोइंग टू क्रिएट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द इंडियंस अग्री टू इट ओके okay, जब हम ये बोलते हैं ना कि इंडियंस अग्री टू इट और मतलब वाई ऐसा ऐसा कौन सा प्रपोजल था जो पहले नहीं है वी से कि कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट हो गया था और क्रिप्स प्रपोजल फेल हो गए थे इसका मतलब यह है कि दो पॉलिटिकल फोर्सेस कुड नॉट कम टू टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्रिप्स सो so स्टेफोर्ड क्रिप्स का मिशन क्यों फेल हो जाता है क्योंकि कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग कुड नॉट कम ऑन अ कॉम्प्रोमाइज या बेसिकली एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते हैं वेरज कैबिनेट मिशन अग्री हो गया इसका मतलब है कि कांग्रेस और

कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाने का प्रोसेस जो दिया था कैबिनेट मिशन ने कहा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 लोग होंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 लोग होंगे ओके okay. 389 लोग में 296 ब्रिटिश इंडिया से होंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से होंगे हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे विल, विल लर्न इट इन डिटेल ये जो 296 है इसमें कुछ मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन है कुछ सिख के लिए है एंड बाकी सारे के सारे ऑल ऑफ अदर्स वुड बी इंक्लूडेड इन दी जनरल इसमें से ये सारे के सारे लोग इलेक्टेड होंगे एंड जो ये प्रिंसली स्टेट्स के 93 हैं ये सारे के सारे नॉमिनेटेड होंगे नाउ बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस यू शुड लुक एट दिस मैप नाइनटीन से भारत कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था इसमें ये जो पिंक कलर का और जो ये येलो कलर का डिफरेंस है येलो कलर इज बेसिकली रूल्ड डायरेक्टली बाई द ब्रिटिशर्स ठीक है इनको प्रोविंसिस कहा जाता है ये येल्लो कलर का एरिया एंड द पिंक कलर देअर कॉल्ड इज द प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि यहां पर सॉवरेनिटी पैरा माउंट सी या सुजेरनिटी जो है वो ब्रिटिशर्स की है बट ये ऑटोनोमस किंगडम्स हैं मतलब कि जैसे हैदराबाद है सो इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इंडिपेंडेंटली बस फॉरेन रिलेशंस और जो डिफेंस है और जो कम्युनिकेशन है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिशर्स मैनेज uh, करते हैं एंड लीगली स्पीकिंग द निज़ाम ऑफ द हैदराबाद थिंक्स और कंसीड्स दैट क्वीन ऑफ द इंग्लैंड इज बेसिकली द किंग ऑफ द हैदराबाद मतलब कि वो हैदराबाद को रूल कर रहा है लेकिन क्वीन या किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम पे सो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये सारे की सारी सब्सिडरी थी ब्रिटिशर्स की और जो ब्रिटिश इंडिया है मतलब कि द ब्रिटिशर्स यूज टू डायरेक्टली रूल मद्रास प्रेसिडेंसी बिहार यूनाइटेड प्रोविंसेस पंजाब सिंध एनडब्ल्यू एफ इस प्रकार से इन प्रोविंसेस को सो so, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी थी तो हमें ये दोनों के दोनों प्लेसेस के लोग चाहिए थे तो जो ये येलो एरियाज हैं यानी कि ब्रिटिश इंडिया जिनको डायरेक्टली रूल करता है डिसाइड किया गया कि यहां से 289 लोगों को इलेक्ट किया जाएगा टू uh, हंड्रेड लोगों को इलेक्ट किया जाएगा ब्रिटिश इंडिया से एंड 93 ये जो पिंक एरियाज हैं यहां से 93 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसली स्टेट्स के नाम पे जो भी वहां के किंग और प्रिंसेस दे नॉमिनेट वन पर्सन टू ज्वाइन दुएंट असेंबली तो पूरे देश से 389 लोग चुने जाएंगे दैट विल बिकम दस्टिट्यूएंट असेंबली ये लोग संविधान बनाएंगे पूरे के पूरे देश के लिए दैट द द प्लान ऑफ़ कैबिनेट मिशन इस चीज़ के लिए इंडियन कांग्रेस भी अग्री हो गई और इस चीज़ के लिए भी हो थी दोनों दोनों तो मुस्लिम मतलब लीग तो और कांग्रेस के बीच में फिर दोबारा से हो Now, we'll so, क्या हुआ? जब ये 389 लोगों को चुन लिया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर से डिफरेंसिस हो गए December 1946 असेंबली को मिलना था मतलब नाउ दे राइट पर अब डिफरेंसेस दोबारा से क्रीप हो जाने की वजह से मुस्लिम लीग बोली कि मुझे यहां पे ज्वाइन नहीं करना आई चूज नॉट टू ज्वाइन सो दे चूज नॉट टू ज्वाइन मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया सो so पहली बार जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है सो नाइन्थ डिसंबर नाइनटीन को इंस्टेड ऑफ द 389 पीपल ओनली 211 पीपल वर प्रेजेंट जो कि सारे के सारे कांग्रेस के थे दोस्तों सात इसमें से कांग्रेस के थे और चार बेसिकली इंडिपेंडेंट थे और जो मुस्लिम लीग के थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और प्रिंसली स्टेट्स वाले जो 93 लोग हैं उन्होंने भी बेसिकली ज्वाइन नहीं किया दे ऑल्सो कैप्ट एक्चुअली अवे एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे काम करती है कैसे नहीं काम करती है सो ऑन एंड ऑन विल टॉक अबाउट दिस गेट आइडिया सो so, डिमांड जो थी वो फाइनली uh, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड उठी कांग्रेस जब उसको पुट फॉरवर्ड कर रही थी तो 1940 में ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया दे सेड ओके इन प्रिंसिपल हम ऐसा कर देंगे बट दे सेड दैट वी आर गोइंग टू डू इट आफ्टर से वर्ल्ड वॉर टू ओके नॉट बिफोर दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बट या इट वॉज वर्बली प्रिंसिपल पे एक्सेप्ट हो चुका है सो नाउ वी नो कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वी विल गेट अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नाइनटीन में सर टू क्रिप्स दिस गाय इज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट यानी कि ब्रिटेन गवर्नमेंट का यू कैन इमेजिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ दैट टाइम केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल कि कैसे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वर्ल्ड वॉर टू के बाद ठीक है दैट वॉज इट बट ये जो आइडिया था यह रिजेक्ट कर दिया गया रीजन बिंग मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि बेसिकली आप दो देश को दो भागों में बांटना पड़ेगा यू वुड हैव टू हैव टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस समय ऐसा नहीं बोला था मुस्लिम लीग right. cool. so, की डिमांड हो गई थी कि मुस्लिम के लिए एक अलग नेशन बनाइए और हिंदू के लिए एक अलग नेशन बनाना पड़ेगा सो so, दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बननी चाहिए दो ऑटोनोमस स्टेट के लिए विच क्रिप डी टू सो बेसिकलीपोजल बेसिकली फेल वर्ल्ड वॉर और खत्म होती है 1945 में और 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया पहले क्रिप्स अकेले आए थे अब की बार दो और लोग हैं एवी एंड द पैथनिक लॉरेंस एंड द सर स्टेफोड क्रिप्स आल्सो ये तीनों के तीनों कैबिनेट के मेंबर्स हैं कॉल्ड द कैबिनेट प्लान दे वर सेंट टू इंडिया वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने वो पुराना मुस्लिम लीग का आइडिया बोला कि देखो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बना रहे नॉट गोइंग टू डू इट दे डिड पुट फॉरवर्ड बेसिक आइडिया जिससे दोनों के दोनों यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सेटिस्फाई हो गए फिगर फाइन दिसन रीजन फॉर हिस्टोरिकल रीजन बेसिकलीशनल कांग्रेस एंडिम लीग बेसिकली अग्रीड अब उन्होंने क्या कहा यह बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसी बनेगी इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर नाइनटीन जो कि कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान दिया था कैबिनेट so, मिशन की जो स्कीम थी उसके बेसिस पे बनी वट वॉज द स्कीम इन्होंने कहा सिंपल सा बेसिक आइडिया की वी आर गोइंग टू हैव थ्री एटी नाइन पीपल इन दिटेंट असेंबली सो थ्री हंड्रेड एटी नाइन जो लोग हैं थ्री हंड्रेड एटी नाइन जो लोग हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स ब्रिटिश इंडिया से और नाइनटी थ्री जो है वो प्रिंसली स्टेट से तो अगर आपको ये मैं मैप दिखाऊं सामने सो दिस इज़ हाउ इट वॉज जो ये पिंक वाले एरिया हैं दे आर ऑल प्रिंसली स्टेट्स माइसोर हैदराबाद राजस्थान गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया राजपूताना भावलपुर बलूचिस्तान स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर पंजाब की कुछ स्टेट्स थी मणिपुर सिक्किम त्रिपुरा दीज मद्रास स्टेट्स

अब क्या हुआ एक बार बात ध्यान से सुनो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि 389 में से मुझे 296 लोगों को प्रोविंस से चुनना है 93 लोगों को प्रिंसली स्टेट से चुनना है इजी नाउ दीज 93 थ्री इज ईजी वाई क्योंकि ये सबके सब, सब नॉमिनेट होने हैं सो so, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी दीज ब्राउन एरियाज यहाँ से लोगों को सिंपल नॉमिनेट कर दिया जाएगा नॉट अ प्रॉब्लम नाउ रिमेंबर जो ये स्काई ब्लू कलर की जो आप स्टेट्स uh, प्रोविंसेस uh, देख रहे हैं एंड ग्रीन कलर के जो प्रोविंसेस देख रहे हैं ये सारे के सारे ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हैं तो यहां पे 1946 में हुए इलेक्शंस जिनको कहते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस प्रोविंशियल इलेक्शंस ठीक है 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान आने के पहले अप्रोक्सीमेटली इलेक्शन हो चुके थे तो यहां पे काइंड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी हुई थी और जो स्काई ब्लू है यहां पे कांग्रेस की मेजोरिटी थी और जो ग्रीन कलर के एरियाज हैं यहां पे इंडियन मुस्लिम लीग की मेजोरिटी थी एंड लुक एट इट यहां पे मुस्लिम लीग की मेजोरिटी है यहां मुस्लिम लीग की मेजोरिटी है एंड यहां मुस्लिम लीग की मेजोरिटी है इफ़ यू नाउ यू नो वी नो दैट इंडिया डिड गेट पार्टीशन इन सेवन लुक दो एरियाज जहां पे इंडियन मुस्लिम लीग विन की थी वही एरियाज जो हैं जो कि पार्टीशन हुए थे कांग्रेस जिन जिन एरियाज के अंदर मेजोरिटी रखते थे वो पार्टीशन नहीं हो पाए नाउ द थिंग इज दैट सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा मद्रास असम एंड सो ऑन एंड ऑल दीज स्टेट्स यहाँ पर प्रोविंशियल इलेक्शन इमेजिन कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है ठीक है इन्हीं इलेक्शन को तो एम के इलेक्शन हुए हैं तो जो ये टू लोग चुने जाने हैं ये प्रोविंशियल एमएलएज प्रोविंशियल मेंबर ऑफ लेजिस्टिव जो यहां पर एम एल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनको चुनने थे। these people, जो कि इलेक्शन हुए 1947 में provinces के, उन्होंने इन लोगों को वोट करके चुना वी गेट इट सी प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन एंड दैट इज वाई वी जब uh, प्रोविंशियल असेंबली बनी थी 1946 में तो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन थी 38 करोड़ नब्बे लाख 38.9 तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सीट थी 10 लाख इंडिविजुअल 10 लाख सिटीजंस के अगेंस्ट ठीक है वन सीट इज टू यू गेट रफ़ली वन सीट पर वन मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन सो सीट्स अलोकेटेडेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज तीन में डिवाइडेड थी कुछ मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी कुछ सिख के लिए रिजर्व थी और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर कम्युनिटी के दे वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वॉज टू बी द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बेसिक आइडिया है कि जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है uh, मैं वैसे हिंट के लिए बता देता हूं कि ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है यहां पे के 1500 के करीब फिफ्टीन हंड्रेड लेजिस्लेटिव असेंबली थे पीपल पीपल वोटेड टू चूज ओके दैट वॉज द की द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाई द प्रिंसली तो प्रिंसली स्टेट्स वाले हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट किया जाना था सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड

Uh, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जो जीते थे वो भी बेसिकली फुल फ्लेजेड uh, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पे नहीं थे और उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी सो दर इज स्लाइट डिफरेंस सो इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो दो सौ ब्रिटिश इंडिया के हैं दे वर हेल्ड इन दी जुलाई ऑगस्ट ऑफ नाइनटीन फरवरी के समय में फरवरी उन्नीस में प्रोविंस के इलेक्शन हुए मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान आया है जुलाई और ऑगस्ट नाइनटीन में दो सौ लोगों को चुनने के लिए इलेक्शन हुए हैं द इंडियन कांग्रेस वन टू हंड्रेड एट मुस्लिम लीग सेवेंटी थ्री और बेसिकली इंडिपेंडेंट लोगों को पंद्रह ना ये थ्री एटी नाइन में से टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स ब्रिटिश इंडियंस हैं ब्रिटिश इंडियन के प्रोविंस से आना है एंड नाइन्टी थ्री जो हैं ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट से आएंगे टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स में इलेक्शन हो गए जुलाई ऑगस्ट में इलेक्शन हुए सो so, यहाँ पे टू हंड्रेड जो एट सीट्स हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं 73 जो हैं वो मुस्लिम लीग की है एंड इंडिपेंडेंट है यू यू कैन इमेजिन इफ लुक एट द मैप मैप जो ये वाला था सो so ये जो तीनों सीटें थे यहां पे मुस्लिम इंडियन मुस्लिम लीग की मेजोरिटी है तो इन्होंने अपने इंडियन मुस्लिम लीग के मेंबर्स को असेंबली में चुना यहां पे कांग्रेस की मेजोरिटी है तो इन्होंने कांग्रेस के मेंबर्स को मेजोरिटी में चुन लिया दैट इज अ सिंपल 93 सीट्स ये अलोकेटेड थी दे वर नॉट फिल्ड पर से मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो लोग आए नहीं थे तो अभी के लिए आप इमेजिन कीजिए कि ये छियानवे वाला काम पूरा हो चुका है 296 एंड दीज सम ऑफ देम हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड दे हैव स्लाइटली केप्ट अवे फाइन यहां पे वंस दीज इलेक्शंस हैपेंड मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फिर दोबारा से डिफरेंसेस आ गए एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड कि हम तो इसको बॉयकआउट करेंगे अब इलेक्शंस में पार्ट ले लिया अब इसको बॉयकआउट करेंगे नाउ रिमेंबर ये जो पर्पस है इन 389 लोगों को चुनना इसके दो पर्पस है द फर्स्ट वन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी ठीक है दैट वुड बी द सेकंड थिंग इंट्रीम गवर्नमेंट भी बनानी है दे आर सपोज टू मेक द इंट्रीम गवर्नमेंट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना भी समय लगता है तो ब्रिटिशर साइड दी चूज दिस नाइन पीपल दिल मेक अ इंट्रीम गवर्नमेंट एंड दे विल से यू कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात पर अग्री करते हैं सो दिल लीव इंडिया ट वुड हैव बिन द केस वो फाइनल हो जाता हैल्स बट मुस्लिम लीग डिट एक्चुअली अग्री टू इट लेकिन इलेक्शन में पार्ट लेने के बाद जो ये टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स लोग हुए दो काम हुआ इसमें सबसे पहले एक इंटरीम गवर्नमेंट बनाई गई इंट्रीम गवर्नमेंट जिसमें इन टू नाइन्टी सिक्स मेंबर्स से लोगों को लिया गया कोई फाइनेंस मिनिस्टर था कोई होम मिनिस्टर था कोई बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज फ्रॉम दी मुस्लिम लीग तो ये गवर्मेंट बन गई मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है एवरी डे बट जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है इन्हीं लोगों की द मुस्लिम लीग एक्चुअली सीज दैट वी आर गोइंग टू बॉयम प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं थी पर इंसिडेंटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भारत के समाज के उस समय के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे हिंदू मुस्लिम सिख पारसी एंग्लो इंडियन क्रिस्चियन एस सी इवन द फीमेल्स एक्चुअली इंक्लूडेड असेंबली में सब के सब ऑलमोस्ट उस समय के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर वाले लोग थे सब इंक्लूडेड महात्मा गांधी अच्छा करती है से सुने. So that, कि assembly, ये वाली मुद्दे को छोड़ देते हैं फॉर नाउस लीव इट फॉर सो दीज टू नाइन सिक्स पीपल वो सपोज टू मीट एंड स्टार्ट दर्क टू मेकिंग दूशन

डिसंबर 9 1946 को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती है वो आए मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड और वो इंसिस्ट करने लगे कि हमें सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहिए सो इट वाज अटेंडेड ओनली बाई टू हंड्रेड सेवन में इंडिपेंडेंट भी नाउ डॉक्टर द मैन बिहाइंड मी विच यू कैन सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ही वॉज द ओल्डेस्ट में बाई एज ही वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस सो so, फ्रांस में एक जस्ट इट्स इट अ ट्रेडिशन काइंड ऑफ अ थिंग एक बेसिक प्रैक्टिस है कि जब कोई भी असेंबली पहली बार मिलती है तो उस दिन जो भी एज में सबसे ओल्डेस्ट है उसको प्रेसिडेंट बना लेते हैं नाउ दिस गाय इज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट इसका काम होता है नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कराने का प्रोसेस करना सो ही वाज इलेक्टेड सो ऑफ 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो डॉक्टर सचिंदा सिन्हा बेसिकली वॉज देंट ही वॉज

फैक्टुअल डेटा है आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं सो मुखर्जी प्रेसिडेंट चुना जा चुका है तो, जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल लाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास विच इज कॉल्ड इन हिस्ट्री एज द नेम एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वट आर दिवस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेट्स मेक इट रिजोल्व उस चीज़ को रिजोल्व कर लेते उस चीज़ को रेजोल्यूशन uh, बना लेते हैं राइट right? तो वो बहुत बेसिक है बहुत ही सिंपल है उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन रिपब्लिक बनाएगी एंड उसके बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिससे हमारे देश का फ्यूचर गवर्नेंस चलेगी एट सो ऑन इट जस्ट डिटेल्स वट इज़ द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सपोज टू बी

दैट सभा संविधान सभा है वो क्या करेगी वो कोशिश करेगी कि देशवासियों को गारंटी कर सके और सिक्योर कर सके जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन अब यही एग्जैक्टली सेम चीज हमारे पीएम्बल में भी है तो ये विजन थी इट वॉज काइंड ऑफ ए लाइट हाउस की दिस इज वॉट दिस इज द टारगेट दिस इज दिस इज द डेस्टिनेशन वेर वी हैव टू गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली

जून तीन उन्नीस सौ सैतालीस को माउंट बेटन प्लान एंड आई एक्सप्लेन टू ये वट इज माउंट बेटन प्लान माउंट बेटन ने आइडिया दिया कि वी आर गोइंग टू पार्टीशन कंट्री एंड देर आर हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अग्रीड टू इट देन फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री तो पार्टीशन डिसाइड हो गया था जब वो जून तीन उन्नीस सौ सैतालीस का माउंट बेटन प्लान अग्री हो गया Like the agreed, agreed, the so ne 1947 जो एक्ट है इसके अंदर लिखा क्या था इससे होता क्या क्या है इसने बोला कि पहले तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरन बॉडी तो जो ये इंडिपेंडेंस एक्ट से एंड कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन वो जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ब्रिटिशर्स कैन एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बना रखे थे जो कि इंडिया पे लागू होते थे वो कुछ भी हटा सकती है उसको डिलीट कर सकती है सेकेंड एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी सिंपल लॉजिक इज दैट की कॉन्स्टिट्यूशन टेक टाइम टू बिल्ड तो बीच में दो तीन साल में अगर लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई तोट सो दॉज लेटिव बॉडी दैट वुड बी डन बाई दूंट असेंबली टिल दैट तो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज भी बेसिकली यही इनैक्ट करेंगे एंड दीज टू टास्क वर्ड टू बी परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज अलग अलग दिन पे क्या करते थे असेंबली बिकेम दर्स्ट पार्लियमेंट ऑफ द्री इंडिया और मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने बाइफर्केट कर दिया कि जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से जो लोग चुने गए थे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो इंडिया का जो एरिया है यहाँ से जो जो लोग चुने गए थे वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली को दो काम मिले हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक लॉ बनाने का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर किया करते थे और जब वो लॉ बनाने के लिए मिलती थी तो वो जीवी वी मावलनकार द पिक्चर बिहाइंड मी जो ये लोग हैं जीवी इज द जीवी मावलनकार ये इसको चेयर किया करते थे ये दोनों के दोनों फंक्शंस तब तक चलते हैं जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता गेट द आइडिया इजी देखो मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान इंडिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से चले गए वो बन गई पाकिस्तान की कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम टू टू हंड्रेड नाइनटी नाइन एज अगेंस्ट द्री हंड्रेड एट्टी नाइन अब लॉजिकली स्पीकिंग प्लान ये था कि ये थ्री एटी नाइन बनेगी लेकिन अब ये घट के कितनी हो गई 299. Why? क्योंकि कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया. Total 389. तो इंडिया जब आजाद हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हुई 29 करोड़ नब्बे लाख के करीब इंडिया की पूरी पॉपुलेशन क्योंकि हमारे टू हंड्रेड मेंबर्स नाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविसेज वॉज रिड्यूस टू नाइनटी सिक्स टू ट्वेंटी तो जो ये टू सिक्स की थी प्रोविंस की ये हो गई टू ट्वेंटी और प्रिंसली स्टेट्स जो ये नाइनटी थ्री थी ये हो गई सेवेंटी कैन यू सी इट होप सो आई होप दिस इज क्लियर कि ये किस वजह से हाउ द नंबर थ्री हंड्रेड एटी नाइन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनना था ओके okay? वाई और ये इसमें फर्क क्या था टू नाइनटी सिक्स ब्रिटिश इंडिया से थे टू नाइनटी सिक्स ब्रिटिश इंडिया से और नाइनटी थ्री प्रिंसली स्टेट से लेकिन जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ ये टू नाइनटी सिक्स की बजाय बचे टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन और जो ये 93 थी थे इसकी बजाय बजे सेंस तो ये टोटल हो गए 299 इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राइट और ये जो 296 है इसके बारे में हमने देखा ही था कि इसमें 208 लोग कांग्रेस के थे तिहत्तर लोग मुस्लिम लीग के थे और 15 लोग इंडिपेंडेंट हुआ करते थे तो अब जो मुस्लिम लीग के एरिया जो पाकिस्तान के एरिया में गए देयर और जो इंडिया के एरिया में अगर कोई मुस्लिम लीग का भी इंडिविजुअल था तो वो इंडियन असेंबली का मेंबर बन गया टोटल 299 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने पे ये 299 लोगों को काम दिया गया था कि दे आर गोइंग टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता दे आर गोइंग टू मेक लॉ ऑल्सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट और जिस दिन ये लॉ बनाने का काम करेंगे उस दिन जीवी मावलनकार यरपर्सन ऑफ दस मेक सेंस ठीक है डन है दो तो इमीजिएटली काम है पहले वाला इंपॉर्टेंट काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना दूसरे वाला लॉ एंड जस्ट एज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये पांच काम और करते हैं पांच कौन कौन से काम करते हैं इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ

I was not a very smart child, to be honest. But now, uh, 18th July को law pass हुआ था तो और उस law में लिखा हुआ था कि 15th of August से आप free हो जाओगे. So the moment we knew कि हमारी data free, so the Constituent Assembly immediately, the first thought in their mind was that. But what would be our flag? Huh? what would be our flag? So they met on July 22nd, 1947 and they adopted the national flag. ठीक है. फिर ये constitution बनाते हैं and constitution बनके तैयार हो जाता है 26 जनवरी 1947 को. 1949 को बट इनका प्लान था कि हम साइन 26 जैन को करेंगे 1950 से स्टार्ट करते हैं अच्छा इट्स 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 ऑस्पिशियस डे सो 26 जैन से स्टार्ट होना था सो so इन्होंने क्या किया इन्होंने तीन काम किए एक दिन पहले 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया और 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के तौर पर भी इलेक्ट कर लिया दीस थ्री थिंग्स वर बेसिकली डन बाय

टोटल दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन वेरी क्लोज अगर बारह दिन होते इफ दे वुड हैव जस्ट वेटेड मोर डेज तो एग्जैक्ट तीन साल हो जाता इलेवन ओवर टू ईयर्स इलेवन मंथ एंड एटीन डेज ओके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन्होंने साठ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाले एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दीज आर जस्ट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कोई नहीं है पूरा खर्चा लगा था चौसठ लाख रुपए में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिक्सटी फोर लैक्स रुपीज में बन गया था

तो so, जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट दिन मिली थी uh, क्या कहते हैं बट हां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना उस दिन खत्म नहीं हुई थी उस दिन खत्म नहीं हुई थी अगेन रीजन क्या होता सो दिसपन्स डिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स में डिसंबर नाइनटीन में फोर्टी 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट hmm. असेंबली बनती है अभी ब्रिटिशर्स सबसे बड़ी ब्रिटिशर्स हमारे पावर है कॉन्स्टिट्यूश असेंबली फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन से इसके पास दो काम है एक तो ये लॉ मेकिंग बॉडी है और एक ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वाला काम है ये 26 जनवरी 1950 को खत्म हो जाता है यहां पे लॉ बना रही है पर अभी भी ये लॉ मेकिंग एज इन पार्लियामेंट इट इज बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम तो ये अभी भी पार्लियामेंट का काम जारी रखती है क्यों क्योंकि अब नया पार्लियामेंट कैसे चुना जाएगा? बेस्ड ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शंस होने थे वो इलेक्शंस होने में थोड़ा सा टाइम लगा वो इलेक्शंस खत्म हुए तो 1951 में में, में 1951 में, में फिर हमारा पहला इलेक्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर लोकसभा चुनी गई ठीक है न्यू पार्लियामेंट ऑफ के में 1952 के, 51 में इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तक चले थे। ठीक है? तो जो दो सौ निन्यानवे लोग थे अलग अलग कमिटीज पे काम करते हैं असेंबली अपॉइंटेड कमिटीज अब इसमें से ना ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला है जैसे यूनियन पावर्स की कमेटी को जवाहरलाल नेहरू लीड करते थे चेयरपर्सन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी जवाहरलाल नेहरू प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी सरदार पटेल ही वॉज द चेयरपर्सन सो अगेन दिस इज हाउ एनीबडी वुड वर्क राइट देर आर टू नाइनटी नाइन पीपल सो यू डिवाइड दर्क बिटवीन So प्रोविंस के अंदर कौन कौन से प्रोविजन डाले सो दैट वुड बी लेड बाई दरदार वल्लभ भाई पटेल सो यू डिवाइड की यूनियन की क्या क्या पावर्स होनी चाहिए दैट वुड बी लाइक जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज दी हेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच यू वुड नो एंड यू वुड रीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बड़ी सारी सी है मतलब एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइनॉटीज ट्राइबल एक्सक्लूडिड एरियाज इस कमेटी की कुछ और सब कमेटीज़ थी यू कैन एक्चुअली रिमेंबर एंड लर्न इट एज मच एज यू वॉन्ट थोड़ा सा रट्टा वट्टा लगाया जा सकता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी माइनर कमेटीज़ भी थी uh, जवाहरलाल नेहरू का नाम जिसमें आए वो याद कर लेना बर अम्बेडकर जी का नाम जिसमें आए वो याद कर लेना और राजेंद्र प्रसाद जी का नाम जिसमें आए वो तीनों के तीनों याद कर लेना तो स्टीयरिंग कमेटी वॉज हेडेड बाई दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट्स कमेटी वॉज हेडेड बाई दी जवाहरलाल नेहरू रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बाकी गॉड ब्लेस यू एंड आई होप यूपीएससी वुड नॉट मेक इट एज मोर डिफिकल्ट देन ठीक है याद करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी इसके बारे में बात करना ये याद करना इंपॉर्टेंट सो जैसे ही हम आजाद हुए थे पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को आफ्टर फोर्टीन डेज ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्मड सात लोग थे इसके अंदर बी आर अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे सातों तो लोगों के नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो इट इज एक्चुअली गुड फॉर यू ठीक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बींग द चेयरमैन एन अयंगर दी कृष्ण स्वामी अयर डॉक्टर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद साधुल्ला एंड नाउ द मोर ट्रिकी पार्ट कि एन माधव राव वॉज द फाइनल मेंबर पहले एक्चुअली में बी एल मित्तर थे लेकिन बी एल मित्तर की रेजिग्नेशन हो गया तो एन माधव राव बन गए एंड देन टी टी कृष्ण ये फाइनल मेंबर थे पहले इन्होंने इन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को जिनकी डेथ हो गई थी सो दीस सेवन पीपल देवर ड्राफ्टिंग कमेटी और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ये ड्राफ्टिंग कमेटी ना पांच मिनट का काम है और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ध्यान से सुनना ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया इनका पर्पस था कि एक ना बेसिक ड्राफ्ट कि so इन्होंने इन्होंने बना लिया और वो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश करा दिया गेजेट ऑफ द इंडिया में और लोगों को

जो कि अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया नाउ मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं करो। मैं पहले क्रोनोलॉजी बताता हूं सिंपल सी ठीक है जिससे पूरा आसान याद रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया था तो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर फोर नाइनटीन को बनकर तैयार हो गया ठीक है नवंबर फोर जैसे कि मैंने अभी, अभी बताइए आपको नवंबर

क्या लिखा हुआ है शुड बी इंक्लूडेड शुड बी डिलीटेड एंड थर्ड रीडिंग का मतलब होता है मोर लेस वोटिंग मतलब कि अगर कोई बोले ना कि थर्ड रीडिंग ऑफ द लॉ चल रहा है पार्लियामेंट में सो so क्या हो रहा होगा पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही होगी कि क्या ये पास करे या ना करे सो फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कर दिया पार्लियामेंट के अंदर सेकंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रही होगी डिटेल के अंदर एकदम बिल्कुल प्योर फुल डिटेल्स में डिस्कस कर रही होगी और थर्ड रीडिंग का मतलब कि अब वोटिंग होने लग रही है कि ये पा, हाँ, ये वाला पास ये वाला क्लॉज एंड हाउ दे डू इट इट्स वेरी सिंपल लाइक जैसे चौदह नवंबर को स्टार्ट हुई थी तो हुआ होता क्या होगा होता क्या था कि दिस इज द क्लॉज वन ड्राफ्ट जब बेसिकली बी आर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रया तो वो नवंबर चार उन्नीस सौ अड़तालीस को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दे दिया गया एंड आफ्टर टेन डेज दिफ्टी एट डिस्कशन स्टार्ट हुई हर एक क्लॉज पे सो पंद्रह नवंबर से लेके एक ग्यारह महीने तक पंद्रह नवंबर से लेके सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ उनचास तक डिटेल डिस्कशन हुई हर एक पॉइंट के ऊपर एंड देन इट वॉज 17 अक्टूबर को खत्म हुए देन दे मेट हुई चौदह दिन के अंदर सारे क्लॉज को यस करवा दिया

जनरल डिस्कशन हुई है इसके ऊपर पांच दिन पे सब ने रीड कर लिया एवरीबडी लाइक ऑल पीपल रेड इट एंड एंडी लाइक ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दो तो इससे बढ़िया तो कुछ बनेगा ही नहीं मत दे प्रॉबली टॉक दे डोंट टॉक दे नेवर टॉक लाइक दैट देर लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट दे हैड अ मोर टैक्ट द सेकंड रीडिंग अब सेकंड रीडिंग इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ अ

डिपेंडिंग ऑन द थिंग उन्होंने जो इंक्लूड करना था वो कर दिया और थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है नवंबर चौदह उन्नीस सौ उनचास डेट याद रखो छब्बीस को तो पास हो रहा है तो थर्ड रीडिंग का ऐसा नहीं है किसिंग द क्लॉजे डॉ बी आर अंबेडकर मूवन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पाई पास ये मोशन था 26 जनवरी छब्बीस नवंबर उन्नीस को एंड द मोशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26 1949 एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर्स ऑफ द द मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट तो जो 15 अगस्त को हमने जब स्टार्ट किया था तो टोटल दो सौ लोग मेंबर हुआ करते थे दो तीन साल के बाद तीन साल का प्रोसेस हो गया ऑलमोस्ट तो छब्बीस नवंबर 1949 को इन 299 में से 284 लोग उस दिन पार्लियामेंट के अंदर फिजिकली प्रेजेंट थे बाकी मतलब जैसे बीच में कुछ लोगों की डेथ हो गई कोई नहीं आ पाया एंड दिस इज ऑल्सो देंशन इन द प्रियम्बल एज द डेट विच पीपल ऑफ इंडिया अडोप्टेड इनड गेव दम बहुत सिंपल सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेट है इनेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की It is 26th of 1949, not the which we फिर सेकंड लंबे वाली फिर थर्ड एंड ट्वेंटी को हमने कर लिया पास ना कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनता है छब्बीस नवंबर को उसमें एक प्रियम्बल था तीन सौ पिचानवे आर्टिकल थे और आठ शेड्यूल हुआ करते थे प्रियम्बल एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसके अंदर इनेक्ट किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे अगेन ही वॉज पर्सन जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने डिजाइन किया था ही इज फॉर द रीजन बिकॉज ही द चेयरमैन ऑफ द दिंग कमिटी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी भी रिसेंटली नवंबर उन्नीस दो हजार पंद्रह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा I think you probably by, know it by now, just a trivia information to promote the constitutional values among citizens. Uh, coming to the important parts, enforcement of the constitution. Uh, constitution के बारे में दो चीजें हैं। एक तो word है enactment और एक है commencement, ठीक है? तो ये यहाँ पे अगर याद करना चाहता है कोई बच्चा, तो देखो, enactment, enact और adopt. ये हुआ है 26 नवंबर 1950 को, और कमेंस कमेंस ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को नो पर्टिकुलर रीजन जस्ट हैव है सेंटिमेंटल वैल्यू 26 जनवरी था उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू थी बिकॉज इट वॉज इट इट यूज टू बी सेलिब्रेटेड एज ए स्वराज दिवस तो इसको स्वराज दिवस की तरह मनाते थे तो सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से वी चोज लेट्स बिगिन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दैट डेट ठीक है बनके तो हमारा यहां पे रेडी हो गया था एज यूजल कभी कभी होता है ना लाइक यू बाय अ फ्लैट इट्स

Now, every year celebrated as the Republic Day. It was specifically chosen. Why? Because of its historical importance. क्यों? 1930 following the resolutions of the Lahore session, something pertaining to the modern history, which you can do on the study IQ from the spectrum series. और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यार कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये भी रिपील हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो रहा है तो उस दिन से इंडियन इंडिपेंडेंस नाइनटीन एक्ट खत्म उसके बाद वो इंडिया पे लागू नहीं रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइव दैट ऑल्सो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम थर्टी टू फिफ्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नाइनटीन टू नाइन हमने इसीलिए पढ़ा उनकी इंपॉर्टेंस ये थी कि हमारा देश बेसिकली उन्हीं कानूनों से चला करता था एनस फ्रॉम देंटी जनवरी नाइनटीन हंड्रेड ये जनवरी छब्बीस का अखबार है आई कॉन्ट फिगर आउट द एक्ट डेट बिकॉज इट्स वेरी ब्लरी बट या इंडिया प्रोक्लेमड हैज टू भी ट्वेंटी सिक्स आई थिंक इंडिया प्रोक्लेम्ड सॉवरेन कुड भी ट्वेंटी सेवन ऑल्सो एक दिन बाद भी हो सकता है प्रोक्लेम्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड दि राजेंद्र प्रसादली स्मॉन प्रेजिडेंट

तो ये 229 और इसमें 70 लोग तो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन से आए हैं किंग्स और क्वीन्स की नॉमिनेशन पे 70 लोग थे सो दे कुड नॉट बी दी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी देयर डायरेक्टली इलेक्टेड सम ऑफ देम वर नॉमिनेटेड इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी इधर इट वॉज नॉट अ अन बॉडी एज इट वॉज क्रिएटेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफ समथिंग हैज बी सॉवरेन देर हैज बी जीरो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सुप्रीम जो है राइट right? गॉड ज दी सॉवरेन गॉड के नॉट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है ब्रिटिश प्रपोजल सो इज इट पॉसिबल कि हमारा जो संविधान है समी अदर ब्रिटिश के डिसीजन से इन्फ्लुएंस है इट बिगिन right? मतलब की बिगिनिंग बेसिकली ब्रिटिश आइडिया से हुई थी This is a but the, the critic uh, the critics of the uh, constituent assembly says this. Here, it was not a sovereign body. Assembly held its initial sessions with the permission of the British government. Nineteen forty six to fifteen nineteen forty seven. the sessions were the British government. Ki permission se ho so objective resolutions was chosen when British government were paramount over India and also include and that means over the constituent assembly also. Wow, well, that is a very very valued argument.

was dominated by the Congress uh it was one party body in an essentially one party country assembly was the Congress and the Congress was in there and lower pol lawyer politician dominated so yeah they pointed out kid sections state society ke, they were not sufficiently represented now I do not know but there were no teacher or educator in probably most probably Hong I think educator to Hongay but I don't remember but at least there were no youtubers no YouTube educators i would like my community to be represented in the making of the constitution. i would have represented the community of the edu youtube educators in making of the constitution. probably there was no youtube at that time, i think so. and it was dominated by the hindus, a body of hindus. only one major community, winston churchill, was said that only one major community. but nevertheless, these are some, uh, just to have a critical analysis, the success of the constituent assembly lies in the fact that the constitution which they made have survived those 75 years. you can see what happened in the pakistan. it's a mess of a country. it's a failed state. you know why? because they couldn't create a constitution which could hold the country together. but our constitution, look at us. we are like better than pakistan literally like every single aspect like no jingoism in, is involved here it's just like objective factual data here okay there is nothing like uh, it's it's not a patriotic or linguistic statement just on basis of the objective data we are practically literally better than pakistan in every single aspect and that is because we had this constitution because what else that this constitution could hold the country together so well that it could propel itself from the Darkness of those colonialist, colonialist time to the progress or to the path of the progress which we are on right now. So I think uh, the, the criticism uh, which is directed toward the Constituent Assembly is not as valid as it sounds in the mind, right? Depending on the circumstances of the time, that was the best possible measure. It would have been better if it would have been a universal adult franchise Constituent Assembly, but then we were probably not ready at that time. I think.

डॉक्टर बीएन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट एडवाइजर थे लाइक बीएन राव की इंपॉर्टेंस ये कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उतना ही सर बी राव का भी है दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज एच वीर वॉर सेक्रेटरी यू हैव टू रिमेंबर सम दिस जस्ट एक्चुअल डेटा एस मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम शहरी नारायण रायजादा

कॉन्स्टिट्यूशन में फिफ्टी एट अट्ठावनवा संविधान संशोधन किया गया 1987 में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया आर्टिकल 394 ए बिल्कुल लास्ट वाला ठीक है वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एक हिंदी टेक्स्ट पब्लिश करते हैं जो कि ऑफिशियली अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज प्रेजिडेंट पब्लिश कराएंगे और ज़रूरत पड़ने पर जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो करवाएंगे और ट्रांसलेशन ऑफ एवरी अमेंडमेंट इज़ ऑल्सो सपोज टू बी मेड एंड ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी पब्लिश्यूट टू हैव सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश का जो मीनिंग है ना वही हिंदी में है पता चला दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब लगा के दो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट ना किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट इंग्लिश वाली लैंग्वेज में जो लिखा गया उसी से किया जाता है And then it is translated to Hindi. In case there is a catch, तो English translation को priority मिलती है और Hindi वाले को accordingly change कर दिया जाएगा उसके sync में। ये summary we have already done it. Okay. Uh, अब जो हमारा जो chapter है, हमारे जो PDF है, कुछ नई ऐसे like there are some uh, these uh,

दो सौ जो ये लोग थे इलेक्शन में हिंदूज 163 थे मुस्लिम्स 80 थे शेड्यूल्ड कास्ट एंड सो ऑन एंड ऑन पारसीज भी थे एंग्लो इंडियंस भी थे सिख भी थे बैकवर्ड ट्राइब्स भी थे इंडियन क्रिश्चियंस मतलब रिप्रजेंटेशन थी ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल मेंबर्स के देर वर फिफ्टीन विमेन पंद्रह लड़कियाँ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में के दीज आर दी फिफ्टीन विमेन विजय लक्ष्मी पंडित सुचेत्रा सुचेता कृपलानी सरोजनी नायडू देयर राजकुमारी अमृत कौर वज़ देयर Malti Chaudhary was there obviously. Hans Mehta, Hansa Mehta, Begum Ayaz Rasool, Annie Mascarini. So these were 15 females. These were the sessions. Uh, you don't need to remember it. Just have a look at it. So you might get a context to learn things.